पर टुडे मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ 8 साल का संक्षिप्त इतिहास। जी हाँ, मैं विंध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। विंध्य प्रदेश बना था, यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे अवधेश प्रताप सिंह, जिनके नाम से आज विश्वविद्यालय चल रहा। उसके बाद अंतिम यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ सुख, एक बार फिर से विंध्य प्रदेश की आवाज़ उठाई है मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम उनसे जानेंगे आखिर इतने दिन बाद आप ये मुद्दा लेकर क्यों आए। ये मुद्दा मैं 2004 से चला रहा हूँ। 2004 में समाजवादी पार्टी से था, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत थे बड़े राज्यों के पक्षधर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने मुझे मना कर दिए, मौन हो गया। इसके बाद 2009 से लगातार चला रहा हूँ, जो अभी तक कभी किसी दौरान बंद नहीं किया। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि जैसे आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, पिछले 15 साल से शिवराज जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, क्यों अभी तक इस बारे पर कोई भी और भी लोग इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। मैं लोगों के बारे में नहीं कह सकता। जब जन भावना बन जाती है, जब क्षेत्र की जनता चाहेगी, विंध्य के लोग चाहेंगे, जब विंध्य के लोगों को पता चलेगा कि यदि हम अपनी मांग को में नहीं लगते तो बुंदेलखंड में हमें जाना पड़ेगा, जब ये जानकारी उनको मिलेगी तो विंध्य की मांग पूरी ताकत के साथ, एक एक आदमी विंध्य का वो पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा, तब विंध्य प्रदेश बनेगा। जी मैं आपको बीच में रोकूंगा, मैं फिलहाल अपने दर्शकों को लेकर चलता हूँ रीवा की गंगा वाटिका में, जहाँ पर 2 जनवरी 1950 को जब युवाओं ने आंदोलन किया था विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर, तो गंगा, चिंताली और अजीज नाम के 3 युवक शहीद हो गए थे। बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इस जगह को कीर्ति स्तंभ बना दिया गया, लेकिन इस जगह का नाम गंगा वाटिका ही रखा गया। जी नारायण जी, आप अपनी बात पूरी करिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बहुत सारे विधायक हैं, क्या आपकी इस बारे में उनसे भी बातचीत लगातार हो रही है? ऐसे कोई विधायक नहीं होंगे जिनसे मैं चर्चा न किया होगा। आज से नहीं, सालों से, 2 साल से लगातार जब भी मौका आया तब भी मैं चर्चा किया, अभी भी चर्चा कर रहा हूँ। सभी विधायकों को, सभी सांसदों को पत्र लिखकर निवेदन भी किया हूँ कि आप इसका नेतृत्व करें, आपके नेतृत्व में मैं काम करने को तैयार हूँ। जो भी आ जाए उनका स्वागत है। विंध्य का जो जितने संगठन हैं विंध्य को बनाने के लिए, मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ। हमारे सीनियर वरिष्ठ लोग जो हैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ, और सभी दल के लोगों से मेरी अपील और निवेदन है कि सब लोग एक साथ आ जाएं और विंध्य का पुनर्निर्माण करें। विंध्य में आप क्या देखते हैं राजनैतिक रूप से और ये धार्मिक रूप से, और यहाँ पर जो जिस तरीके से खनिज संपदा, किस तरीके से आप देखते हैं कि जब विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो इसका विकास और तेजी से होगा? विंध्य में टूरिज्म के दम पर, सिर्फ टूरिज्म के दम पर विंध्य सबसे सशक्त, मजबूत, समृद्ध विंध्य प्रदेश कहलाएगा, सिर्फ टूरिज्म के दम पर। और फिर इसके बाद आगे हम बात करें, कोयला है यहाँ, सीमेंट उद्योग है यहाँ, क्या नहीं है, बाण सागर है यहाँ, चचाई है यहाँ, सहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है, सिंगरौली है, सतना है, रीवा है, कमी क्या है? हम इतने सक्षम हैं कि यह विंध्य प्रदेश सबसे समृद्ध सशक्त प्रदेश कहलाएगा। क्या आप इस मांग को लेकर जिले में या संभाग में या विंध्य प्रदेश जब पुराने ज़माने में था और भी जन जागरण फैलाएंगे? मैं हर जगह, स्कूल, कॉलेज, तहसील, ब्लॉक, जिला जाकर लोगों को जागरूक करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस विंध्य को बचा लें, विंध्य का संस्कार, विंध्य की संस्कृति, विंध्य की तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें बचाएं और विंध्य के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें, विंध्य के निर्माण में अपना योगदान दें। मेरी सारे विधायकों से बातचीत हो रही है, तमाम तरीके की यहाँ पर खनिज संपदा, धार्मिक स्थल, जो भी कहिए यहाँ पर भरपूर है। अगर विंध्य प्रदेश बनता है तो इसकी प्रगति में और 4 चांद लग जाएंगे, यह कहना था मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी का। न्यूज़ नेटवर्क टुडे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार।